का जमाना आ रहा है। क्या कैफियत है, मैं इसे महसूस करता हूँ। मैं ख़त्म करता हूँ कुरान के आखिरी पारा को 29वें पे, तो वो कैफियत मेरी होती है, वहाँ 5 पे ये कैफियत होती है कि कोई बात नहीं, मोहब्बत का ज़माना आ रहा है, और फिर शुरू हो जाता है। और इस शुरू होने के मुतल्लिक तो मैं समझता हूँ कि गालिब जिस अंदाज में बात कह गया है, किसी और को नसीब नहीं। विदाओ वसल जुदा गाना लज्जत दार, तेरा रुखसत होना और तेरा आके मिलना दोनों की लज्जत ही अलग अलग होती है। हज़ार बार में रहो, 7000 बार में आ, 100 दफा जा, 1000 दफा आओ, सदके दे रहे। कुरान की कैफियत अजीजा ने मन मेरे साथ ही है। विदाओ वसल जुदा गाना लज्जत दारत है। ख़त्म करता हूँ, ख़त्म का लफ्ज भी मैं कामता हूँ जब मैं ये कहता हूँ, मैं नहीं चाहता ये लफ्ज भी ख़त्म करूँ। आखिरी पारे पे पहुँच के बाद आखिरी आयत पे जाता हूँ तो विदा हो, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह से वसल, विदाओ वसल जुदा गाना लज्जत दारत। क्या बात इस शख्स की कि हज़ार बार बिराओ, 7000 बार बिराओ, 7000 बार सिर्फ आ, 7000 बार, ये है चीज़ कहने की जो होती है लतीफ़ बातें। 7000 बार कुरान को जब यूं विदा किया जाता है मैं कहूँगा, तो उसके बाद उसका आना जो होता है वो एक नई दुनिया के दरवाजे खोलता हुआ आता है। 50 बरस हो गए अजीज़ा ने मान, इतनी छोटी सी किताब है के अंदर मेरे, अब मैंने वो लगा दिया है, एक किताब है इतना बड़ा फ्रेम किया हुआ रखा हुआ मिस्र में, उस एक के अंदर सारा कुरान लिखा हुआ है, इतनी छोटी सी किताब है। वो अंग्रेज़ी का टाइप जो बरीक होता है उसमें ये आ जाए, चंद सफ़ों में किताब आ सकती है, लेकिन कैफियत इसकी ये है कि ना हद इसके इसी से, ना हद सामने, ये ख़त्म ही नहीं होने को पाती। हर बार इसको जब मैं शुरू करता हूँ, हर बार नए हकायक सामने आते हैं। 50 साल हो गए भरे हुए हैं रजिस्टर मेरे इन चीज़ों के लिखने से, जनाब ख़त्म नहीं हो सकता। कुरान ने जो कहा था कि खुदा के हकायक को तुम ख़त्म नहीं कर सकोगे, खास सारे समंदर रोशनाई बन जाए और सारे दरख्त कलम बन जाए, कुरान की कैफियत ये है अजीज़ा ने मन। बहरहाल हम मीकात पर आ गए, इसमें अहराम बांधने में मसरूफ़ हो जाइए। आइंदा हम मीकात के बाद की पहली मंजिल हरीम काबा की तरफ जो जा रही है 30वां पारा, उस 30वें पारे की इब्तदा हम करेंगे। अपने उस रविश के मुताबिक यूं ही क्यों ना करूं मैं, ये हदीस इन बादा यौम नून अम्मा यतसालून, क्या अंदाज़ है इस 30वें पारे की पहली आयत, अम्मा यतसालून, ये रसूल ये किस बात की बात के मुतल्लिक तुमसे बार बार पूछते हैं, कौन सी बात है जिसकी बाबत ये पूछते हैं, इसका जवाब हम आइंदा दर्स में देंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्ना कान तस्मीउल अलीम।